यहाँ पर बात करें हम किसान आंदोलन का, किसान आंदोलन को कौन कौन से हम पढ़ने वाले हैं। किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन में जो लाटा कुंता क्या होता है, लाटा कुंता पद्धति होती है, लाटा कुंता पद्धति। तो लाटा कुंता पद्धति में फसल के लिए ये कर लिया जाता था, फसल के कर का नाम है, फसल के लिए कर लिया जाता था। और यहाँ पर लाटा क्या होता है, जो फसल निकालने का स्थान होता है उसे बोलते हैं लाटा, फसल निकालने का स्थान। और सूटा वाटी कर की बात करें, यहाँ पर कूटा वाटी कर या सूटा वाटी कर है, सूटा बोला जाता है कूटा को, सूटा वाटी कर, तो सूटा बोल सकते हैं एक तरीके से छोटा को। तो सूटा वाटी कर किसके लिए लिया जाता था, ठेकानेदार की जमीन पर जो पशु बांधते थे उसके लिए कर लिया जाता था, ठेकानेदार की जमीन पर पशु बांधने के लिए लिया जाने वाला कर, लिए जो कर लिया जाता था, लिया जाता था। जबरी कर की बात करते हैं, यहाँ पर किसान पुत्री के विवाह पर कर लिया जाता था, यहाँ पर जबरी कर, किसान पुत्री के विवाह के अवसर पर ये कर लिया जाता था, विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट हम देखते हैं तलवार बंधाई कर। जब कोई भी नया ठिकानेदार है राजगद्दी पर बैठता था तो तलवार बंधाई कर लिया जाता था, किसके लिए, राजगद्दी पर बैठने के लिए, राजगद्दी पर बैठते समय, बैठते समय। यहाँ पर बात करें हम कौन कौन से किसान आंदोलन की बात करेंगे, एक तो हम करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की, फिर बात करेंगे बूंदी किसान आंदोलन की, फिर बेंगू किसान आंदोलन, नीमू चाणा किसान आंदोलन की बात करेंगे, दुधवा और खार किसान आंदोलन की बात करेंगे, शेखावटी का किसान आंदोलन की बात करेंगे, और एक ही आंदोलन की बात करेंगे, और भगत आंदोलन की बात करेंगे, एक ही आंदोलन और भगत आंदोलन, इन सब आंदोलन की बात करेंगे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और बिजोलिया किसान आंदोलन है ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। इसे बिजोलिया कहाँ पर पड़ता है, वर्तमान भीलवाड़ा में पड़ता है बिजोलिया, बिजोलिया किसान आंदोलन, किसान आंदोलन कहाँ पर पड़ता है ये बिजोलिया, वर्तमान भीलवाड़ा में ये पड़ता है। और इसमें हम देखें ए श्रेणी का ये ठिकाना है भीलवाड़ा, ए श्रेणी का ठिकाना, और यहाँ पर राजा जो सांगा ने अशोक परमार को ये बिजोलिया क्षेत्र दिया था, किसने दिया था, राजा थे सांगा ने, किसको दिया था ये, अशोक परमार को ये बिजोलिया का क्षेत्र दिया था। और यहाँ पर हम बात करें 84 प्रकार के कर लगाए गए हैं किसानों के द्वारा, कितने प्रकार के, 84 प्रकार के कर लगाए गए हैं, लगाए गए हैं। और यहाँ पर हम बात करें 1897 में गिरधारी पुरा में मृत्युभोज किया गया गिरधारी के द्वारा, तो उसमें ये बात स्टार्ट होती है। 1897 में कहाँ पर, गिरधारी पुरा में, गिरधारी पुरा में किसके द्वारा मृत्यु भोज कराया गया। और यहाँ पर ये गिरधारी की मृत्यु पर ये गिरधारी पुरा में मृत्यु भोज कराया जाता है। किसान यहाँ पर एकत्रित होते हैं और किसान यहाँ पर सभा करते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारे प्रकार के कर लगाए गए हैं, तो इन्हें कैसे कम किया जाए। तो यहाँ पर दो किसान हैं, इनके नेता बनते हैं, एक है ठाकुर जी, एक है नान जी, ठाकुर जी और नान जी।
ये ठाकुर जी नाथ जी हैं, ये मेवाड़ के शासक के पास शिकायत करने के लिए जाते हैं, मेवाड़ के शासक थे उस टाइम फतेह सिंह जी। और जब ये यहाँ पर शासन का इसके पास में जाते हैं, तो यहाँ पर ठिकानेदार पर कृष्ण सिंह के द्वारा चमरी करके शुरुआत की जाती है। यहाँ पर ठिकानेदार थे, वहाँ के बिजोलिया के ठिकानेदार थे कृष्ण सिंह। और कृष्ण सिंह यहाँ पर ठाकुर जी और नाथ जी को गांव में आने निषेध कर देता है, और यहाँ पर ठिकानेदार है कृष्ण सिंह, ये किसका चबरी कर लगाना शुरू कर देता है। चबरी कर यानी कि पुत्री के विवाह पर 5 रुपये और कर के रूप में देना होगा। और जैसे ही यहाँ पर कृष्ण सिंह की ये मेवाड़ के राजा फतेह सिंह के पास में शिकायत करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर मेवाड़ के राजा फतेह सिंह हैं, ये कुछ भी नहीं करते हैं। फिर 1906 में पृथ्वी सिंह के द्वारा तलवार बंधाई कर स्टार्ट किया जाता है। इसके द्वारा पृथ्वी सिंह के द्वारा तलवार बंधाई कर स्टार्ट किया जाता है, तलवार बंधाई कर। और फिर 1914 में केसरी सिंह के द्वारा ब्रिटिश की शिकायत सहायता में कोष में पैसे जमा किए जाते हैं। तो केसरी सिंह के द्वारा ब्रिटिश की सहायता कोष में पैसे देने के लिए यहाँ पर कर लिया जाता है। नेक्स्ट टाइम बात करें तो इस टाइम पर आते हैं केसरी सिंह का विरोध करने के लिए, वो करते हैं साधु सीताराम दास, यहाँ पर विरोध करते हैं साधु सीताराम दास, इसका विरोध करते हैं केसरी सिंह का। और यहाँ पर साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक है, यहाँ पर 3 लोग यहाँ पर विरोध करते हैं, एक तो साधु सीताराम दास, एक है फतेहकरण और एक है ब्रह्मदेव, फतेहकरण और एक है यहाँ पर ब्रह्मदेव। तो यहाँ पर साधु सीताराम दास के कहने पर क्या किया जाता है, विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन से जुड़ते हैं, विजय सिंह पथिक। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये विजय सिंह पथिक है, इसका जन्म होता है गुड़ावल गांव में, और ये इसका विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था, इसका नाम था भूप सिंह, ये मूल नाम था इसका, बाद में पड़ा था विजय सिंह पथिक। और इसका ना जन्म हुआ था गुठावल गांव में, इसका जन्म हुआ था यूपी में, क्या है गुठावल गांव यूपी के अंदर इसका जन्म होता है। और हम बात करते हैं कि 1916 में इसको राष्ट्रीय महत्व, यहाँ पर जैसे बात करें हम 1916 के अंदर ये विजय सिंह पथिक यहाँ पर जुड़ते हैं। और 1917 में क्या होता है, 1917 में किसान ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना करते हैं, किसान ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना करते हैं, और इसके सरपंच थे मन्ना जी पटेल। सरपंच कौन थे, मन्ना जी पटेल इसके सरपंच थे। और यहाँ पर इसके मित्र हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, और ये यहाँ पर विजय सिंह पथिक के मित्र थे, यहाँ पर कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी इसके मित्र थे। और यहाँ पर इन्होंने, ये मित्र थे, इन्होंने प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन किया, प्रताप समाचार पत्र का ये प्रकाशन करते हैं। और प्रताप समाचार पत्र के प्रकाशन में इन्होंने यहाँ पर बिजोलिया का लेख लिखा है, विजय सिंह के कहने पर, ये समाचार पत्र में यानी समाचार पत्र में बिजोलिया के लेख इसने छापे हैं यहाँ पर विजय सिंह पत्र के कहने पर, क्या लिखे हैं, बिजोलिया के लेख, बिजोलिया के लेख यहाँ पर लिखे हैं। और बिजोलिया के लेख जब लिखे थे तो इसको यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व का आंदोलन घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजय सिंह पथिक की, तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की यहाँ पर स्थापना होती है, यानी विजय सिंह पथिक है 1919 में इसकी स्थापना करते हैं, राजस्थान सेवा संघ की यहाँ पर स्थापना करते हैं। और इसका प्रधान कार्यालय वर्धा में था, जो कि महाराष्ट्र में है। प्रधान कार्यालय कहाँ पर था,
वर्धा में, जो कि वर्तमान कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है ये वर्धा। नेक्स्ट हम बात करें जो विजय सिंह पथिक के द्वारा जो समाचार पत्र थे वो थे राजस्थान केसरी, इनके द्वारा समाचार पत्र लिखा गया राजस्थान केसरी, समाचार पत्र का संपादन करते हैं। और यहाँ पर राजनीतिक सहायता है जमनालाल बजाज के द्वारा की जाती है, यानी आर्थिक जो सहायता है इस समाचार पत्र के लिए, आर्थिक सहायता किसने दी थी, जमनालाल बजाज ने दी थी, जमना लाल बजाज यहाँ पर सहायता करते हैं। और यहाँ पर जो प्रधान कार्यालय है बड़दा से कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, प्रधान कार्यालय बड़दा से यहाँ पर अजमेर में ये स्थानांतरित कर दिया जाता है। और इसके नवीन राजस्थान की बात करें तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र यहाँ पर जमनालाल बजाज ने स्टार्ट किया था, नवीन समाचार पत्र ये जमनालाल बजाज स्टार्ट करते हैं। और इस समाचार पत्र पर अंग्रेज सरकार ने रोक लगा दी, तो अंग्रेज सरकार ने जब रोक लगा दी तो इसके स्थान पर यहाँ पर तरुण राजस्थान नाम बदलकर इस समाचार पत्र को चलाया जाता है, नवीन राजस्थान, नवीन समाचार पत्र के स्थान पर तारुण राजस्थान नाम से समाचार पत्र है यहाँ पर चलाया जाता है। फिर बात करते हैं हम 1919 की मेवाड़ सरकार की, बिंदुलाल भट्टाचार्य है यहाँ पर 1919 में, कौन है मेवाड़ सरकार में थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य है ये यहाँ पर बिजोलिया सरकार के क्या थे, शासक थे। और यहाँ पर बिजोलिया की स्थिति को यहाँ पर बिंदुलाल भट्टाचार्य ने दयनीय बताया है इस स्थिति को। और हम बात करें 1921 की, इसकी बात करते हैं 1921 की, 1921 में हॉलैंड से एक व्यक्ति आए थे बिजोलिया, और इसने क्या किया है यहाँ पर बिजोलिया आकर के, यहाँ पर हॉलैंड थे इन्होंने 35 कर समाप्त कर दिए, 35 प्रकार के जो कर थे ये समाप्त कर दिए, ये हॉलैंड आए थे बिजोलिया के शासक 1921 में हॉलैंड। और यहाँ पर ठेकानेदार ने, ये ठेकानेदार को यहाँ पर समाप्त नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हॉलैंड ने तो आए थे उन्होंने बिजोलिया 35 कर समाप्त कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर ये कर है ठेकानेदार लेता रहा, समाप्त नहीं किए, नहीं किए। तो यहाँ पर विजय सिंह पथिक ने किसानों से अपनी जमीन को अंग्रेजों को देने के लिए कहा, और ये कहा कि अगर हम जमीन ही नहीं रखेंगे तो हमें किस प्रकार के कर लिए जाएंगे, तो ये सरकार को जमीन दे देते हैं किसान यहाँ पर। और जब सरकार को जमीन दे देते हैं किसान यहाँ पर, तो सरकार दूसरे गांव से किसान ला करके उस जमीन को करती है या जमीन पर खेती करती है, तो इस गांव के जो किसान थे वो यहाँ पर अब भूखे मरने की नौबत आ जाती है। तो ये यहाँ पर विजय सिंह पथिक के यहाँ से हट जाते हैं किसान आंदोलन से। फिर 1927 में जो ज्वाइन करते हैं यहाँ पर, वो माणिक लाल वर्मा के कहने पर, जमनालाल बजाज है वो आंदोलन में आते हैं, इसके कहने पर, माणिक लाल वर्मा के कहने पर यहाँ पर इस आंदोलन में आते हैं जमनालाल बजाज। और जमनालाल बजाज आते हैं तो इस जमनालाल बजाज ने जोश भरने के लिए, किसानों में जोश भरने के लिए यहाँ पर पंचीड़ा शीर्षक गीत लिखा था, पंचीड़ा शीर्षक का गीत लिखा था यहाँ पर, और इस गीत को गा करके किसानों में जोश भरा जाता था। और उसके बाद में क्या होता है, 1941 में ये किसान आंदोलन समाप्त होता है, टी राघवचारी और राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों के बीच में समझौता होता है, टी राघवाचारी और राज सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों के बीच में समझौता होता है। और ये बिजोलिया, टी राघवाचारी कहाँ के थे, मेवाड़ के शासक थे, और फिर ये बिजोलिया आंदोलन है यहाँ पर समाप्त होता है। तो ये बिजोलिया आंदोलन है ये हम देखें कि 1893 में चला था और 1941 तक ये चला है, यानी यहाँ पर टोटल 44 वर्ष ये शासन चला था। नेक्स्ट किसान आंदोलन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।